ये खत्म करना है, पहले फिर रोटी की बात करनी है। ये ना उसकी कुटी मिर्च और लहसुन की चटनी है, उसमें मैंने वो जो क्रीमी दही था, योगर्ट था, क्रीमी योगर्ट था वो, जिसको मैंने वो फेंटा था, वो जो है उस चटनी में मैंने मिक्स किया, जो कुटी मिर्च और कुटी लाल मिर्च और लहसुन की जो चटनी है उसमें मैंने पेस्ट जो है वो मिक्स कर लिया। अब मैंने उसको खा के देखना है कि इसमें ज़्यादा मिर्चें तो नहीं हो गई हैं। वैसे मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती हूँ, लेकिन जैसे अभी हमने तहारी बनाई है, लेकिन जो पराठे होते हैं, जैसे नाश्ते के जो पराठे होते हैं वो बच जाते हैं ना, तो ऐसे ही उसके साथ कुछ खाने का दिल कर रहा है साथ में, तो मैं देखने लगी हूँ कि ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए। मैं नहीं खा सकती। आपको कैसा लग रहा है ये सॉस? मजेदार है। मजेदार है ये, आप तो खा लेते हो मिर्चे, मुझे बहुत मिर्चे लगी हैं। तो ये सुबह की रोटियां बच गई थी, अभी तो हमने तहारी बनाई है, तहारी खा चुका है। और इतना खाती ये तो खाली आपने नुक्ता सा टच किया है। आपने मुंह में कैसे लिया बाइट? क्या इस तरह भी मिर्चियाँ? ओके, पानी पड़ा हुआ है यहाँ पर। पानी ना मैंने साफ़ कर दिया, पानी बहुत मुश्किल से यहाँ से ना साफ़ होता है, तो मैंने कभी मैं कर देती हूँ, कभी आयान से कह देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े धुले हुए हैं, कपड़े जो है वो संडे से धुले हुए हैं, लेकिन सूख नहीं रहे क्योंकि वो सब एक साथ जो है वो धो दिए, और फिर वो जल्दी सूखते नहीं हैं ये सारे कपड़े ना। बस अब इनको चेक करना है कौन से सूख गए कौन से नहीं सूखे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिदा शेख और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। सुबह के 8:30 हो रहे हैं
और अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सब सो रहे हैं और मैं रात भर सोई नहीं हूँ। और अभी जो है फिर मैंने सोचा कि टेरेस में आ जाते हैं और आके थोड़ा सा देखते हैं, रोशनी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि रूम में तो सब सो रहे हैं, तो वहाँ पे कर्टन्स मैं हटा नहीं सकती हूँ, पर्दे हटा नहीं सकती क्योंकि वो सब डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैं यहाँ आई हूँ अब, क्योंकि मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करें या कुछ करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर मुझे याद है मैं कपड़े तो भूल ही गई थी। कपड़े इसलिए भूल गई थी, संडे को कपड़े धुले थे, तो संडे को कपड़े धुलने के बाद से जो है वो मुझे बिल्कुल इसको बस आगे पीछे करके थोड़ी हवा लगाई है, थोड़े से कपड़े जो सूखे हैं जो ड्राई हो गए थे उनको अंदर डाला है, बहुत सारे एक साथ कपड़े जो है वो धुल गए। तो बस उसके बाद जो है वो हमने उसके बाद जो है बस फिर यही होता रहा कि बिजी थे बिजी थे, डे जो है वो पूरा बिजी बिजी गुजरता है। वैसे बिजी नहीं गुजरता है, आप घर में बच्चे जो है वो घर में होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो पूरा दिन जो है बस उन्हीं के साथ मेरा गुजर जाता है। अभी भी आज थर्सडे का दिन है और 8:30 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दिसंबर में छुट्टियाँ, हाँ 21 से होती हैं ना छुट्टियाँ स्कूल्स की, तो सारे बच्चे तकरीबन स्कूल गए होंगे, लेकिन ये कि इनका हमने स्कूल जो है वो अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि हम इनको स्कूल में करें। इनके थ्री टाइम्स इनके स्कूल्स का इशू हुआ है, फाइनेंशियली क्राइसिस, और फिर उसकी वजह से जो है हम जब फीस जो है वो पे नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऑलरेडी फिर वो उनके पास इतनी सारी फीसेस होती हैं कि हम उसको अफोर्ड नहीं करते, तो फिर वो स्कूल जो है वो उसको हमें छोड़ना पड़ा है। तो 2-3 बार इस तरह से हो चुका है। अभी भी हमने उस स्कूल को, उधर से एडमिशन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हम उसको पे नहीं कर पाए, तो हमने अपने बच्चों को घर पे बिठा लिया कि चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो जब आगे कंटिन्यू हो सकेगा तो कर देंगे। अभी मैंने सोचा था कि अभी जो हाफ हाफ ईयरली जो होते हैं, मिड टर्म जब होते हैं एग्ज़ाम्स, तो उसके बाद शायद हमें, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम डाल देंगे, तब तक हमारे जो फाइनेंशियली क्राइसिस हैं वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह ताला जो है वो अभी हमें और थोड़ा हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। तो बस फिर अभी जो है वो मेरे बच्चे अभी भी घर पे ही बैठे हुए हैं और इसलिए सो रहे हैं। मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो एवरी टाइम डिस्टर्ब रहता है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में हैं, बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं स्कूल से, काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब होने के बाद हम सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन जो मनाहिल है हमारे, जो मैंने अभी जो ड्रेस पहना हुआ है ना, ये जो ड्रेस है ये देखें, इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र पहना हुआ है और शर्ट कोई सी है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जो आप घर पे इजीली वेयर नहीं कर सकते, वो या तो आप किसी के घर जाते हुए थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, इजी टू वेयर नहीं होते, उसमें पहन के आप कंफर्टेबल ना लेट सकते हो ना बैठ सकते हो, वो थोड़ा सा आपको स्टाइल में रखने के लिए होते हैं। तो मेरे पास उस तरह के बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जब से हमारे फाइनेंशियली क्राइसिस हुए हैं तो ऐसे कपड़े जो होते हैं जो हमें इजी टू वेयर होते हैं और इजीली हम उसमें आराम से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, और हमें ना उसमें गर्मी लगे, जैसे गर्मियों का मौसम में तो गर्मी नहीं लग रही है, सर्दियों का मौसम में तो हमें सर्दी नहीं लग रही है, ऐसे कपड़े, और हमें इजी टू वेयर भी होने चाहिए, मतलब कि हम उसमें आराम से लेट जाएं बैठ जाएं। तो उस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो मैंने तकरीबन 6-7 साल से नहीं बनाए, तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मुझे बाहर कपड़े पहन के जाने का इशू नहीं होता जितना मुझे घर पे होता है। घर पे जो मेरे इजी टू वेयर जो ड्रेसेस थे तो वो मेरे तकरीबन जो है वो
फट चुके हैं, किसी का ट्राउजर, किसी की शर्ट, किसी की स्लीव यहाँ से फट जाती है। वो जाहिर सी बात है जब आप इतना उसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल एक तरह से गल सड़ जाते हैं कपड़े ना, तो वो पहन पहन के अक्सर तो ऐसा हो रहा होता है कि दूसरे जो बिल्कुल स्टाइलिश ड्रेसेस होते हैं वो जब घर के काम होते हैं या फिर जब घर के सारे कामों से जब मैं फारिग हो जाती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल ईजी टू वेयर पहनूँ। अब वो जब जाहिर सी बात है जब आप न्यू नहीं बनाते हैं तो मैं तो अक्सर वो ही पहन लेती हूँ। किसी की एल्बो में हाथ से फट जाता है, कोई हाथ से फट जाता है, किसी की जो है यहाँ से जो शर्ट के जो कॉर्नर्स होते हैं चॉक्स होते हैं उधर से फट जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं उसको, फिर या तो सही करके या फिर उसी तरीके से हम वेयर करते रहते हैं क्योंकि वो इजी टू वेयर होते हैं। मैं पार्टी वाले वैसे ड्रेसेस जो है वो घर पे नहीं पहन सकती। पार्टी वाले के किसी का किसी की जैसे फुल थोड़ी सी टाइट स्लीव्स होती हैं तो उस तरह के ड्रेसेस जो है वो घर पे नहीं पहने जाते। एनीवे तो मेरे पास तो काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं। तो मनाहिल के जो कपड़े हैं वो एक तो छोटे भी हो रहे हैं, वो उसकी एज जो है वो बढ़ने की है, हाइट उसकी बढ़ रही है, तो उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं या फिर उसके कपड़े कहीं ना कहीं से उसके भी ऐसे ही गल सड़ रहे हैं। और जो जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनकी तो वैसे ही ड्रेसेस जो है वो साथ साथ बनाने पड़ते हैं क्योंकि आने जाने के लिए घर पे पहनने के लिए, क्योंकि या तो वो ख़राब होते रहते हैं, फटते रहते हैं या फिर जो है वो छोटे होते जाते हैं। रखे रखे आप देखते हो उसको निकाल के वो छोटा हुआ होता है और उस ड्रेस को कुछ भी नहीं हुआ होता, बिल्कुल सही होता है, न्यू होता है, लेकिन दो तीन बार में वो छोटा हो जाता है। तो मनाहिल की जो ड्रेसेस हैं वो मुझे जो है वो बाय करने थे, तो मैं वहाँ गई। फिर रात को हम लोग गए हुए थे चेज़ाब, 8 बजे तकरीबन हम लोग निकले थे। तो चेज़ाब जब हम लोग गए ना तो वहाँ पे जाके चेज़ब से हमने मनाहिल के ड्रेसेस लिए। पहले तो मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आ रहे थे, मैं बहुत अरसे से हमने जब शॉपिंग नहीं की है काफ़ी अरसे से, पहले तो हम इम्तियाज़ भी चले जाते थे काफ़ी जगह से, हम जो है वो कहीं से ग्रॉसरी लेते थे, कहीं से हम जो क्रॉकरी है वो कहीं से लेते थे, कभी लोकल शॉप्स जो होती हैं जो मार्केट्स होती हैं वहाँ से मैं कभी मंगवा लेती थी, कभी हम जो है किसी मॉल में चले जाते थे तो इम्तियाज़ भी जाते थे। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो है वो हमने शॉपिंग वगैरह भी नहीं इस तरह से कर रहे हैं, बस बहुत ज़रूरी हो गया। ज़्यादातर जो है वो मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि जब आपने कुछ बाय नहीं करना तो आपको जाना कहाँ। तो एनीवेज़ तो बहुत अरसे से जो है वो मुझे शॉपिंग वॉपिंग का इतना पता नहीं था कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो अच्छी मिल रही है, ना ही मैंने ऑनलाइन देखा, दराज वगैरह पे नहीं देखा कि वहाँ पे क्या ऑनलाइन है वहाँ पे जाके। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं इसके ड्रेसेस जो है वो कहाँ से देखूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं चाह रही थी थोड़े से इसके स्टाइलिश भी हों, सर्दियों में भी चल जाएँ, गर्मियों में भी चल जाएँ और ईजी टू वेयर भी हों। उठना बैठना बच्चों का जो है वो बहुत रफ स्टाइल में होता है ना, तो उस लिहाज से भी मैं ढूंढ रही थी। तो पहले तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने वहाँ से इनको बोला, जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा मुझे तो समझ में ही, अरे कोई ड्रेसेस वगैरह ना वहाँ पे के कोई अच्छे हैं, तो आई डोंट नो अचानक से क्या उनको कुछ ख्याल आया, उन्होंने एकदम से जो है वहाँ से कुछ सेटिंग वगैरह अपनी कपड़ों की ड्रेसेस की चेंज की। और फिर उसके चेंज करते करते ही जब उन्होंने चेंज किए तो मुझे फिर एकदम से कोई अच्छा सा प्रिंट नज़र आया, कोई अच्छा स्टाइलिश सा ड्रेस नज़र आया। मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैं उसके 3 ड्रेसेस लेके आई हूँ, बहुत अच्छे मिले हैं ड्रेसेस का सेम लेके आई हूँ मैं। लेकिन एक ड्रेस उसका मैं जो लेके आई हूँ उसके थोड़ा ट्राउज़र में इशू है। उसके मैंने टैग चेक किया जो उसके अंदर वो जो उसका नंबर की चिट लगी होती है वो मैंने चेक किया, वो सेम था, लेकिन उसका ट्राउज़र उसका थोड़ा सा इशू हो गया कि ट्राउज़र शर्ट तो सही है लेकिन ट्राउज़र में थोड़ा सा 19-20 हुआ है। तो आज मैं उसको खुर्रम को दूंगी कि वो जाके उसको एक्सचेंज कर लाएंगे ताकि वो उसको भी वेयर कर सके, तो जो है एक नंबर बड़ा आएगा, और अगर नहीं मिला तो वो और बात है। एनीवेज मिलना तो चाहिए, हमने वहाँ से जो देखा था वहाँ पे हमें ये मिला था, जो साइज़ हमें चाहिए था वो हमें मिल गया था।
तो हमने कहा इसका यही होगा, और वो असल में होता ही है कि शर्ट तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन ट्राउज़र में इशू होता है कि ट्राउज़र आप उसको वो पैक हुआ होता है बिल्कुल ठीक तरीके से, आप उसका साइज नहीं ले सकते। मुझे ये अंदाज़ा नहीं रहा, भूल गई मैं, कि जब वो हैंगर से उतार रहा था ड्रेसेस को, तो उस टाइम जब वो ट्राउज़र ओपन कर दिया था, उसने पिन लग दी होती है उसमें, कुछ स्टेपल टाइप हुआ होता है, वो ट्राउज़र उतर नहीं सकता हैंगर से। तो जब मुझे ख्याल नहीं आया कि काउंटर पे जब हम उसकी पेमेंट कर रहे थे और वो उसको हैंगर से निकाल रहे थे फाइनल होने के बाद ड्रेसेस, तो उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं चेक कर लूँ कि सबके ट्राउज़र्स वगैरह मैंने नहीं देखे तो मैं देख लूँ। एनीवेज बाकी सबके सही है, बस इसमें ट्राउज़र का इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा चेंज, ऐसी कोई ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो बस वहाँ से फिर उसके बाद वो लिया, और फिर मनाहिल के लिए ही पोनी वगैरह ली, और फिर आयान मुझे कह रहा है कि मुझे भी कुछ दिलवा दें। तो फिर उसकी मैंने देखा, उसकी शर्ट्स वगैरह मैं देख रही थी, तो उसको जो शर्ट पसंद आ रही थी वो तकरीबन 1400 की थी, 1300 की थी, 1200 की थी, इस तरह से करके उसको शर्ट्स थी, तो उसको मैं नहीं दिलवा सकी हूँ उसको। फिर भी जो है उसके पास कपड़े थे, इस बात को भी मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो हो गए, आई थिंक 5-6 महीने या 6-7 महीने इस बात को भी हो चुके हैं। उसको आयान को तो उसने, मेरे भाई ने उसको कपड़े दिए थे, पैंट्स भी दी थी जो उनको यूज़ नहीं करनी थी, वो उन्होंने मेरे भाई ने उसको आयान को दे दी थी कि ये पहन लेगा। तो वो अभी तो उसके पास शर्ट्स भी हैं और पैंट्स भी हैं। उसकी शलवार कमीज़ों का काफ़ी इशू रहता है, उसके पास शलवार कमीज़ नहीं होती है, अभी तो उसको वही दे देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। कभी एक आध जो है वो अपने फादर की ले लेता है, तो अभी उसके पास तो थे कि वो यूज़ कर ले, उसके पास तो हैं, लेकिन मनाहिल के पास बिल्कुल उसके कपड़े फट चुके थे, तो मैं उसके अभी बाय करके लाई हूँ। तो फिर उसकी मैं नहीं बाय कर पाई क्योंकि मेरा बजट आउट हो गया था। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने उसको बोला कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो फिर हम उसको उस वक्त बाय कर लेंगे। तो लास्ट टाइम जो है वो अभी जैसे इसके लिए लिए तो फिर नेक्स्ट मंथ, तो फिर वो उसको भी समझ वैसे भी मैंने अभी उसको दराज से जो है वो रिस्ट वॉच मंगवा के दी थी, उसको था कि रिस्ट वॉच मुझे लेनी है, तो इतनी सस्ती कोई शर्ट तो आती नहीं है। टी शर्ट आई थिंक आ जाती, लेकिन टी शर्ट को उसको उसे टी शर्ट्स पसंद नहीं है, उसे शर्ट नहीं आई है, तो उसने फिर टी शर्ट मुझे कहा कि रहने दें कुछ और देख लेंगे। तो कुछ और नहीं भी मिला, तो फिर उसके बाद हम वापस घर आ गए क्योंकि हमारा बजट उससे आउट हो रहा था, क्योंकि आगे जो है वो बच्चे फिर हमें कह रहे थे कि हमें डिनर भी करवाएं। तो हम निकले थे, तो फिर हमने सोचा था यही था कि कपड़े ले लेंगे और फिर उसके बाद जो है फिर डिनर कर लेंगे। तो फिर हमने वहाँ से जो है वो डिनर किया था, मलाई रोटी खा ली हमने और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में। फिर उसके बाद वहीं से फिर हमने जो है वो आइसक्रीम खा ली थी केबीस की। तो बस ये वाला इन्जॉयमेंट करके वहाँ से, बहुत सर्दी लग रही थी, बहुत सर्दी हो गई थी रात को, तो हम तकरीबन 1:30 बजे फारिग हुए थे वहाँ से। तो 1:30 बजे जब हम फारिग हुए वहाँ से निकले हैं, तो हमारी जो है वो गाड़ी में उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था व्हील में, उसका गियर, उसका स्टेयरिंग और उसका व्हील राइट साइड वाला, उसमें वो बिल्कुल उसका मूव हो गया ना, बिल्कुल एकदम हम बिल्कुल सन्नाटे वाली ना उसमें आ गए थे, रोड पे आके ना एकदम सन्नाटा था, वहाँ पे आके एकदम से व्हील निकल गया हमारी गाड़ी का, आई डोंट नो क्या हो गया उसको। तो एनीवेज वहाँ पे बहुत सन्नाटा था, जो लोग गुजर भी रहे थे बाइक पे, एक दो लोग गुजरे हैं लेकिन उन्होंने रुक के पूछा नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 2-3 लोग गुजरे थे वहाँ से, तो अच्छा ही हुआ नहीं उन्होंने पूछा, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, तो उसमें हमें यही हो रहा था कि अगर कोई हेल्प करने के लिए भी आएगा, पता नहीं वो हेल्प करने आएगा कि नहीं आएगा। दुनिया इस तरह की हो गई ना कि कुछ भरोसा नहीं कर सकते, आप देख नहीं समझ नहीं सकते। एनीवेज तो हम दुआएं पढ़ते रहे, सूरतें पढ़ते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे वहाँ पे, सूरतें पढ़ते रहे मैं भी और मेरे दोनों बच्चे भी, हम लोग करते रहे। फिर उसके बाद हमने खुद ही
जो है उसको गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके इन्होंने कुछ उस तरीके से किया, वो उसका थोड़ा सा पीछे से स्क्रू जो है वो ढीला हो गया था, तो वहाँ पे कोई इतनी रात को मैकेनिक भी नहीं मिल सकता था, तो फिर खुद ही करके जो है हमने किसी ना किसी तरीके से करके उस व्हील को वहाँ पे एडजस्ट करके वहाँ पे किया है और फिर हम आए। ये अच्छी बात हुई कि हमारा जब घर करीब था तो फिर उसके बाद हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल यानी घर के बिल्कुल पास थी, तभी हुआ था। तो फिर उसके बाद वो जब हुआ है तो फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो प्रॉब्लम तो हुई थी लेकिन हम जो है वो घर के पास थे और हमारी प्रॉब्लम भी जल्दी फेस जल्दी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन लेकिन एक मसला ये भी है कि सन्नाटा बहुत था वहाँ पे, सन्नाटे की वजह से बस प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज़ जो है वो साइड में अगर गाड़ी रुकती तो फिर भी था कि हम उसको लॉक करके तो जो है वो घर पे चले जाते और थोड़ी देर बाद आके या फिर वो कुछ उस वो मैकेनिक वगैरह देख लेते अगर कुछ करना होता। लेकिन ये कि वो बिल्कुल सेंटर में रुकी थी और सन्नाटा था वहाँ पर, तो हम वहाँ पर गाड़ी को छोड़ नहीं सकते थे, तो बस इसलिए खुद ही उसकी कुछ अरेंजमेंट करके फिर उसके बाद स्लो स्लो गाड़ी चला के जो है वो घर तक पहुँचे हैं। और फिर यही सोचा कि जो है उसके बाद दिखा देंगे मैकेनिक को कि क्या क्या। पहले ही हमें 2:30 बज गए थे, घर पहुँचते पहुँचते हमें 2:30 बज गए और फिर जब हम आए तो हमने आके घर में ड्रेसेस देखे और फिर ड्रेसेस देखने के बाद मैं ड्रामा देख रही थी। ड्रामा देखते देखते मुझे जो है ना ऐसे ड्रामा देख पूरा नहीं देखा गया और मुझे नींद आ गई थी क्योंकि हम कल भी जो है सोने पाए थे, साथ जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, तो परसों भी हम रात में सो नहीं सके थे, तो कल खुर्रम ने छुट्टी की थी क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि चलो इसके कपड़े लाने थे तो अब ले आते हैं आज कपड़े जाके। बस ड्रामा देखते देखते मेरी आंख लग गई ड्रामा, तो मैंने वो एपिसोड जो है वो मेरा मिसिंग हो गया है एक तरह से, क्योंकि मेरी एकदम से आवाज़ों से आंख खुली है बच्चों की आवाज़ों से कि मम्मा आप क्या सो रही हैं, तो मैंने कहा हाँ मेरी तो आँख लग गई थी। बस वो इतनी सी देर 15 से 20 मिनट में सोई हूँ ड्रामे के बीच में, और हालाँकि आवाज़ें थीं सबकी ड्रामे की आवाज़ें आ रही थी, तो फिर भी उसके बावजूद जो है वो मुझे मेरी आँख खुल गई और मैं पहले सोई हुई थी फिर एकदम से आँख खुल गई, और जब आँख खुली फिर उसके बाद मुझे अभी तक नींद नहीं आई। मुझे हैरत, बस यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे आके तो मुझे याद आया कि कपड़े मैंने संडे से धो के रखे हुए हैं, आई थिंक कुछ सूख ही गए होंगे, क्या करूँ कहाँ डालूँ। अब अगर इन कपड़ों को मैं वहाँ पे अंदर दरवाज़ों पे डालूँ जगह जगह डालूँ, तो आपको पता है हमारा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, हमारा रूम जो है वो बहुत छोटा है, उसमें स्पेस नहीं है, और मैंने फजर की आज नमाज़ भी नहीं पढ़ी क्योंकि हम रात को लेट आए थे ना, तो लेट आने की वजह से सुबह बहुत लेट हम लोग सोए थे, तो फ़ौरन से फिर फजर हो गई थी, फजर के टाइम जो है वो फिर सब तकरीबन सोए, तो फिर वहाँ जहाँ नमाज की जगह है ना, तो वहाँ पे आयान जो है वो मैट्रेस डाल के गद्दा डाल के वहाँ पे सोता है। अब मैं उसको उठा के वहाँ पे उसको उठाती फिर नमाज पढ़ती तो वो डिस्टर्ब हो जाता, तो मैंने अब मुझे नमाज कसा पढ़ना पड़ी क्योंकि वो सो रहा था। कुछ हमारे घर में ऐसे ही सेटअप है कि हमारे घर में कुछ स्पेस नहीं है, तो जब कोई सो रहा होता है तो हमें थोड़ी नमाज को डिले करना पड़ता है या फिर हमें नमाज को छोड़ना पड़ता है, अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें भी हम क्या करें। यहाँ पर मुझे भी सुकून नहीं आ रहा है, मतलब सुकून यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा कि कपड़े डले हुए ना तो ठीक से ना धूप आ रही है, वरना सुबह सुबह की जो धूप होती है यहाँ पे आती है और फ्रेश एकदम से धूप भी आती है और हवा भी आती है, तो मैं अभी यहाँ पे आके बैठी हूँ तो ये कपड़े थे मैं भूल गई थी यहाँ पे कपड़े डले हुए, तो मुझे ठीक से ना धूप आएगी ना रोशनी आएगी, थोड़ी रोशनी की भी कमी हो रही है यहाँ पे। बस तो यहाँ पे जो है वो मैं आके बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ अंदर चली जाती हूँ, ये कपड़े उतरेंगे फिर यहाँ से खाली खाली होगा तो फिर सुकून आएगा। आज बहुत सारा काम है मुझे क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं घर में, बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल गई हैं, इधर उधर चली गई हैं, इधर उधर हो गई हैं, फिर धूल मिट्टी आ जाती है बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में ही। मैं रोज़ डस्टिंग कर भी नहीं पाती हूँ, साफ बात यही है क्योंकि होता ही है कि दिन बहुत मेरा मुझे दिन बहुत छोटा लगता है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, दिन बहुत छोटा हो गया है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, कुरान सुनना होता है और उसके बाद जो है वो दिन पूरा ख़त्म हो जाता है, इसी चक्कर में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है।
वैसे ही लेट उठते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, तो हमें लेट हो जाता है तकरीबन, हम 11 बजे जो है वो उठना शुरू करते हैं, तो उठते उठते और खुर्रम को भी लेट जाना होता है, उनका कुछ ऐसी है नहीं क्योंकि वो उनका काम इस तरह का है, मीडिया का काम है उनका, तो वो जितने आधा घंटा लेट जाते हैं तो फिर रात को वो आधा घंटा लेट आ जाते हैं वापसी घर में, उनकी आधा घंटा लेट होती है, ऐसे होता है, उनकी टाइमिंग का इशू है इस तरह का, तो वो भी जो है वो उठते हैं 10:30-11 बजे, तो फिर इस तरह हम उठना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके फिर हम खाते हैं, तो ये टाइम हो जाता है हमें खाते खाते 12:30-12 इस तरह हम खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में, अब 3 बजे दोपहर का तो हमारा लंच जो है वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, फिर अब उसके बाद मगरिब जो है वो 6 बजे हो जाती है, 5:45 बजे, फिर 5:45 बजे नमाज़ पढ़ते 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 फिर 6:15-6:30 इस तरह हो जाते हैं, फिर हम उस टाइम अक्सर खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह का खाना खाया होता है 6 घंटे हो जाते हैं, तो हम बीच में खाना नहीं खा सकते, फिर 4 बजे हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि उस टाइम भूख नहीं होती है, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा और गुजरता है फिर भूख स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग इसलिए मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं, फिर बच्चों को सुबह स्कूल नहीं जाना होता है इसलिए फिर हम रात को खाना 10:30-11 बजे रात का जो डिनर है वो हमारा लेट हो जाता है इसी चक्कर में, तो बस हमारी तो इस तरह की रूटीन चल रही है। बाकी मैं आप लोगों के साथ मनाइल के कपड़े शेयर करूँगी, देखिए आज करती हूँ या फिर नेक्स्ट वाले व्लॉग में करती हूँ, क्योंकि अभी एक ड्रेस उसका जो है एक्सचेंज होना है, मतलब वो वाला वापस करवाएंगे और उससे एक नंबर बढ़ा लेंगे हम लोग, उसके बाद जो है वो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ या फिर मैं इसी में, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से कर ली हैं, मुझे नहीं पता है कि ये ब्लॉग मेरा, तो आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि बच्चे जो है वो अगेन उनका स्कूल में एडमिशन हो जाए, हमारे फाइनेंशियली क्राइसिस दूर हो जाए, हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं मेरे घर में, जैसे किचन में कॉकरोचेज हैं और उसमें जार लगाते हुए मुझे हो रहा होता है कि नहीं, जार लगाने के लिए मुझे अब वहाँ पे जो जार होता है ना कॉकरोचेस किलर जो होता है वो लगाने के लिए अब वहाँ 500 उसके अलग से लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये खर्चा करना पड़ेगा वो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉकरोचेस जो है वो जाहिर सी बात है एटलीस्ट आपको 2 तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉकरोचेस पूरे घर में इधर उधर जाते हैं फैलते हैं, तो पूरे घर में लगाना पड़ता है, तो एक पैकेट से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए जो है वो मुझे वो होता है कि अब इसमें भी पैसे लगेंगे अब इसमें भी लगेंगे, तो वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं बहुत सी चीज़ें फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से कि कौन सा काम करें और कौन सा छोड़ें, इस तरह के भी क्राइसिस हो रहे हैं, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे क्राइसिस को हमारी मुश्किलात को दूर करे और हमें थोड़ी सी आसानी कर दें। वो बात होती है ना कि पैसे जो है वो कुछ भी नहीं होते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब आपने अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और हमें ज़िंदगी गुजारने पैसे चाहिए, जो आजकल की ज़िंदगी है उसके हिसाब से हमें पैसे चाहिए, अदरवाइज़ अगर हम इस्लाम के थ्रू से देखें तो उसमें ये बात है कि आप सब्र शुक्र करके आप खाते रहिए पीते रहिए, आप अगर इस्लाम के थ्रू से देखें तो दीनी तालीम जो है वो ज़रूरी है और दुनियावी तालीम जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो अभी जब हम इस दौर में रहते हैं तो दुनियावी तालीम जो है वो भी ज़रूरी है, दीनी भी ज़रूरी है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे 3 बार जो है वो घर पे बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी बात पे सब्र हमने किया है कि अल्लाह की मर्ज़ी जब नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल सकें तो ज़ाहिर सी बात है तो हमने उनको फिर बिठाया हुआ इसी वजह से, और घर पे दीनी तालीम उनको दे रहे हैं, बच्चों को नमाज की तरफ लगाया है, अक्सर जो है वो बच्चे नमाज़ों से दूर होते हैं इधर उधर खेल रहे होते हैं, तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम घर पे बैठे और बच्चों के पास दीन की तालीम के लिए जो है वो बहुत टाइम हो, लेकिन दुनियावी तालीम उनकी बार बार रुक रही है। बार बार उनकी दुनियावी तालीम जो है उसमें एक तरह से क्या कहते हैं उसको, रुकावट आ रही है। तो आई थिंक अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी इसमें कि हम दीनी तालीम की तरफ लगें, दीन की तरफ लगें, क्योंकि हम जब अभी बच्चे घर पे हैं तो हम फजर की नमाज़ भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ख़ुद भी पढ़ रहे होते हैं, और ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, क्योंकि उनको होमवर्क नहीं करना है, उनको कहीं जाना नहीं है, वो थके हुए नहीं होते हैं, तो वो पाँचों वक्त की माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ लेते हैं और कुरान पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अल्लाह की मर्ज़ी है कि दुनियावी तालीम जो है वो उसको आप कंटिन्यू ना करो, अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें। तो हमने जो हमें हालात हम फेस कर रहे हैं उसमें हम ढलते जा रहे हैं कि अल्लाह की यही मर्ज़ी है और होना भी यही चाहिए। तो बस अभी घर में जो है अभी दीनी तालीम बच्चों की चल रही है, लेकिन दुनियावी तालीम जो है वो दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे से क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ को अपने सेट करने के लिए, आगे से उनका फ्यूचर क्या होना उसमें डिस्टर्बेंस के लिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि हमारे जो फाइनेंशियली क्राइसिस हैं वो ठीक हो जाएँ। अल्लाह ताला इतने नहीं ठीक हो जाएँ कि जैसे बहुत ज़्यादा हम जो है चाहते हों, हम इतना चाहते हैं कि जितना एक नॉर्मल अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जितना एक फैमिली को ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला हमें उतना ज़रूर दे। जैसे कि बच्चों के स्कूल की फ़ीसें हमारी बार बार अटक जाती हैं, वो इसलिए अटक जाती हैं क्योंकि हमारी जो एक कंटिन्यूसली जो इनकम होती है उसमें रुकावट आ जाती है, कंटिन्यूसली इनकम नहीं हो रही है, आती है फिर रुक जाती है, आती है फिर रुक जाती है। तो वो जब आके रुकती है, जब वो आती है फिर रुकती है, दो तीन महीने का जब गैप आ जाता है ना, तो वो फिर इशू हो जाता है स्कूल में उस चीज़ की वजह से। दो तीन बार हमारे साथ ऐसे हो चुका है। तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो हमारी पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो नहीं हो पा रही, हम लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और हम रिलैक्स भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से हम बिल्कुल जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम और ज़्यादा टेंशन में आएंगे। तो अभी आप लोगों ने पीछे मेरे जो ब्लॉग देखे हैं दराज से, मैंने जो बाय किया है, ये किया है, वो किया है, तो हमने उसमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो उसमें, वो तो इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं हमारी कि हमें अब समझ में ही नहीं आता। हमने उनको ऐसे छोड़ा हुआ है कि हम अभी इसको नहीं कर रहे, हमें अभी ऐसी चीज़ लेनी है, इन्जॉयमेंट वाली चीज़ करनी है। तो बस वो हमने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना, जो हमारा ऐसे हमें अच्छा लगा हमने ऐसे बाय किया दराज से, जिस उसकी नीड ही नहीं थी। हमें आयल के कपड़े भी लेके आए हैं, फिर हमने बाहर डिनर भी किया है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इम्पोर्टेंट सूरतें होती हैं, सूरह मुल्क होती है, सूरह मुज़म्मिल है और सूरह वाकिया है, तो ये तीनों तो मैं ज़रूर इशा के बाद में ख़ुद भी पढ़ती हूँ और अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि आप लोग भी बैठ के पढ़िए, अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ पढ़ें, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो थक चुके होते हैं, तो वो अभी इसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन पांच वक्त की नमाज़ जो है वो पढ़ते हैं माशाल्लाह से उनकी फजर की, और सूरतें वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं उस वक्त नींद से उनको उठा नहीं सकते, बहुत गहरी नींद होते हैं। तो बहरहाल लेकिन ये कि मैं और मेरे बच्चे आजकल जो है वो इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ही बात है कि अल्लाह की मर्ज़ी है। फिर साथ में अभी मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब पीछे रही है, तकरीबन आप लोग यही समझ लें कि जब से 2019 से लेके अभी ये 2023 है,
उससे पहले भी हमें क्राइसिस थे, हम तकरीबन 2016 से क्राइसिस में, 2016 से हम क्राइसिस में आना शुरू हुए थे, फाइनेंशियली क्राइसिस में, लेकिन 2019 से हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए थे। जैसे कि हमें फाइनेंशियली क्राइसिस थी, उसके बाद हमें कुछ फैमिली इश्यूज भी हुए थे। मेरी फैमिली में हर हस्बैंड वाइफ की फैमिली में इश्यूज होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो फैमिली इश्यूज, जो बहन भाइयों के इश्यूज होते हैं, और मदर्स से आपके जो मैके में इश्यूज हैं मेरे साथ, मुझे वो फेस मैंने किए, उसकी वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से, फिर उसके बाद वो आई थिंक उससे मेरे ऊपर कुछ बर्डन हुआ, और फिर उस बर्डन की वजह से मेरे जो है वो तबीयत अपसेट रहने लगी बहुत ज़्यादा। मेरा बीपी हाई हो गया था, और मेरा जो ब्लड है उसमें अच्छा खून नहीं बन रहा था, ख़राब खून बनने लग गया था, क्योंकि मैं अंदर से टेंशन में थी ना। तो जब आप हर्ट होते हैं, किसी बात से हर्ट होते हैं, तो वो आपको अंदर से शॉक लगता है, तो ये चीज़ होती है। तो 2019 से हमें फाइनेंशियली क्राइसिस के साथ, हमें जो मेरे मैके से बहुत ज़्यादा उन्होंने बिला वजह के इश्यूज जो है वो क्रिएट किए हैं, और एक तरीके से मेरे बहन भाइयों ने, मेरी मदर ने, सब ने मुझे अकेला छोड़ा हुआ है। अभी तक वही सब कुछ सिलसिला है, और जब मुझे होता है, मुझे जब नीड होती है कि मैं जाके उनसे मिलूं, या मुझे घर में कुछ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाऊँ, उनसे थोड़े से ले लूँ, तो मैं वहाँ चली जाऊँ तो चली जाऊँ, अदरवाइज़ मुझे कोई पूछता नहीं है। तो ये 2015 से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन 2019 में ये पीक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और पीक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो वो मुझे शॉक्स लगे उसकी वजह से, कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ इन चीज़ों से। और जब मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, तो मेरी जो हेल्थ है वो गिरने लग गई, क्योंकि हम पहले ही, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया था उसकी वजह से। वो एक तो जो हमारे वायरसेस चल रहे थे, उसके अलावा जो हम फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से जब हम अपनी डाइट नहीं ले पाते, वो सब चीज़ें जो है वो करके मेरा इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया। तो जब मेरा इम्यून सिस्टम ख़राब हुआ है, तो मुझे हर बीमारी ने अटैक किया। जैसे मुझे बीपी हाई हो गया बिला वजह, बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हाई हो जाता था, और मेरा खून नहीं, अच्छा खून नहीं बन रहा था, मुझे विटामिन डी की कमी हो गई थी, मुझे कई बार विटामिन डी के कैप्सूल्स खाने पड़े। फिर मुझे उसके बाद यूटीआई हो गया। यूटीआई होने की भी यही रीज़न है कि हम मेडिसिन जब खाते थे तो इम्यून सिस्टम ना होने की वजह से, और एक प्रॉपर डाइट लेने ना लेने की वजह से मेरे ऊपर जो है वो मेरी हेल्थ गिर रही थी, मुसलसल गिर रही, सर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो घर में एक फाइनेंशियली क्राइसिस, और फिर आपको आपके जो बहन भाई हैं, माँ है, उन्होंने आपको जब बिल्कुल अकेला छोड़ा होता है, और फिर उसके बाद जैसे बच्चों का स्कूल छूट गया, फिर मेरी जो घर में, जाहिर सी बात है, घर में आपको घर देखना होता है, और जब घर में एक बच्चों को देख रहे हैं और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, तो मैं घर में किसी भी तरफ मैं अपना फोकस नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है तो क्या नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को देख रही थी, और मैं जो है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अब मैं, मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मैं ये काम नहीं कर पा रही, वो काम नहीं कर पा रही, फिर उसके बाद फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से ये काम नहीं कर पा रही, वो काम नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इश्यूज़ हो गए हैं, और मेरे कुछ एक दो दांत भी ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे जो फेस का स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो गया है, कुछ खाने पीने भी मुझे इश्यूज़ होने लग गए उसकी वजह से। तो बहुत सारे जो है वो घर में हमें इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से अब ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो हमारी
पूरी नहीं हो पाती। हम बहुत ज़्यादा इस बात से, मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खा नहीं रहे हो कुछ ठीक से, आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप मेडिसिन जो है वो नहीं, वैसे आप पैनाडोल ले सकते हो, पैनाडोल ले लिया ठीक है, आपको बुखार हुआ है पैनाडोल ले लो, आपके सर में दर्द हुआ है कुछ डिस्प्रिन ले लो या पैनाडोल ले लो, आपको आपको स्टमक इशू हुआ है तो आप फ्लैजिल ले लो, ये वाली मेडिसिंस तो अवेलेबल हो जाती हैं कि आपने एक आध टैबलेट ले ली, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। मैंने आपको रेडी नहीं कर पा रही थी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं रिलैक्स करूँ, ईजी रहूँ, और फिर जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी उसमें मेरा दिन निकल जाता था, फिर जब मेरी तबीयत ठीक होती थी तो मैं रिलैक्स कर रही होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो बस मेरे ये दिन जो है वो इसी तरह से गुजर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे लिए ज़रूर ज़रूर दुआ कीजिए, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो देखें कब तक अल्लाह ताला हमसे इम्तिहान लेता है, और हम उस इम्तिहान में कुछ पता नहीं है कि पूरे उतरते हैं कि नहीं पूरे उतरते, लेकिन अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, सब्र की तौफीक दे, नेक हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमें दीन पर ही कायम रख के पांच वक्त का नमाजी बनाए, और जितना हमसे हो सकता है हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं आजकल। तो मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ में मैं देखती हूँ कि अब मैं सोऊँ या फिर अभी मैं इन कपड़ों को उतारूँ, क्या करूँ।